बिल्डर लॉबी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एसडीएम, दिल्ली पुलिस, सब लोगों की मिली भगत से ये काम हुआ है। ये सरकार पहले तो कुछ करती नहीं, बाद में तोड़ा ताड़ी करती है। हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने हमारे जो एप्लीकेशन थे उसको रिजेक्ट कर दिया। एक तो पैसा भी दियो, घर बनाओ, फिर यह तोड़ने को आ जाओ। हम इतने साल से यहाँ रह रहे हैं, हमारे पास सब है, आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, सब कुछ है, है? तब आपने इंक्वायरी नहीं की थी क्या? पायल फिशर फिस्टुला, यह है एक आम समस्या। इस समस्या से जूझ रहे लोग करवा सकते हैं शार करप, शार सूत्र चिकित्सा। नीचे दिए नंबरों पर संपर्क। जिस जगह पर आप वर्षों से रह रहे हैं और रातों रात आपके पास एक नोटिस आए या जो आपको पता चले कि जिस आशियाने में आप बीते 40 सालों से रह रहे हो वो अगले कुछ ही दिनों में ढा दिया जाएगा, तो आपके साथ क्या गुजरेगी इसका अंदाज़ा शायद आप लगा सकते हो। जी हाँ, आज हम आपको कुछ इसी तरह का जो कुछ हुआ था दक्षिणी दिल्ली के नेपसराय इलाके के अंदर वो दिखाने जा रहे हैं। ये देख सकते हैं कि हमारे पीछे जिस तरीके से जो कार्रवाई चल रही है उसके ऊपर हम अपनी पैनी नज़र बनाए हुए थे कि आखिर ये क्यों हुआ और ये सब क्यों हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पूरा किस्सा है वो लगभग 180 मकानों का था, 180 फ्लैट से, जिसमें अगर अंदाज़ा लगाया तो लगभग 700-800 लोग यहाँ पर रहते हैं। जिस तरीके से चाहे वो केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार, जो बात करती है जहाँ झुग्गी वहीं मकान की, लेकिन अगर जो पक्के बने हुए मकान हैं उनको इस तरीके से धराशायी कर दिया जाता है और कोई भी जब जनता पुकारती है तो उसका क्या हाल होता है ये देख सकते हैं कि आखिर गलती किसकी है, दोषी कौन है, चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन कोर्ट भी जिस तरीके से आदेश पारित करती है वो देखती नहीं है या सुनती नहीं है कि आखिर वो अपने आदेश जो पारित किए जा रहे हैं उसके अंदर किस तरीके का नुकसान हो रहा है या जनता को राहत नहीं मिल रही है। दिल्ली के अंदर ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां पर बसी बसाई कॉलोनियों को, बसी बसाई बस्तियों को सिरे से जमींदोज कर दिया जाता है, लेकिन जब जनता जाती है कोर्ट में दोबारा से तो कुछ ना कुछ गलतियां निकल कर आती हैं। कहीं ना कहीं पेटिशनर्स की गलती होती है, कहीं ना कहीं लोगों की गलती होती है। यहाँ पर इस मुद्दे, पूरे मुद्दे को जो हमने भी देखा है उसमें जो बात निकल कर आ रही है वो यही है कि ये ज़मीन फॉरेस्ट लैंड की है, यानी कि रिज की ज़मीन है। अगर लेकिन बात करें तो जो पूरा नेपसराय है क्या ये भी रिज पर बना हुआ है? तो चलिए बात करते हैं कि क्या पूरा मंजर रहा, क्या बात रही, लेकिन कुल मिलाकर इन लोगों का आशियाना तो फिलहाल छिन चुका है। तो चलिए बात करते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में। आपका नाम? सुशील बोध। सुशील जी, ये पूरा माजरा क्या रहा, गलती किसकी थी, आज कहां पर खड़े हैं ये जो 180 फ्लैटों के मालिक हैं, ये गलती कहां रही? ये गलती ऐसा है जी, ये ग्राम सभा लैंड थी और हमारी जो ग्राम सभा लैंड आज से 20-25 साल पहले ग्राम सभा ख़त्म हो चुकी है, लेकिन कुछ लोगों ने ग्राम सभा पर एनक्रोचमेंट करके वहाँ पे बिल्डिंग्स बना दी। बिल्डर लॉबी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एसडीएम, दिल्ली पुलिस, सब लोगों की मिली भगत से ये काम हुआ है। ये तो यानी कि माना जाए कि जिस तरीके से लैंड ग्रैबर या लैंड माफिया काम करते हैं, बिल्डर लॉबी काम करती हैं, उसका शिकार आम जनता बनी है? जी हाँ, बिल्कुल 100% शिकार बनी है, क्योंकि इन लोगों ने जो जीपीए भी दी है तो लोगों को 134 की ना देकर 132 नंबर खसरे की दी है, जो कि एग्रीकल्चर लैंड पे है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोगों ने उनके साथ धोखाधड़ी की। चाहे कोई लोग बोले या नहीं बोले कि हमें नहीं पता था, लेकिन 90% लोगों को मैं जान समझ सकता हूँ कि उनको पता था, क्योंकि रोड के इस साइड में जो अलॉटमेंट का हिस्सा है उसके अंदर 15 लाख का अगर फ्लैट मिलता है तो इसके अंदर 10 लाख का फ्लैट मिल रहा है, तो क्या हम लोग राशन नहीं खाते या खाना नहीं खाते, हमें पता नहीं लगता इस चीज़ का कि इतना सस्ता क्यों है? आम आदमी को अपना पैसा बचाने के लिए बात आती है या आम आदमी कई बार अंधेरे में भी रह जाता है, जब उसका आशियाना छिनता है तब वो पता लगता है कि वो गलती पर था। सर ऐसा है, कुछ लोग तो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि लोगों को अंधेरे में रखा गया, जैसे मैंने बोला 134 के बजाय 132 के पेपर दिए गए जो कि इसका आधार नहीं बनता है, लेकिन मैं सिर्फ डिपार्टमेंट से पूछना चाहता हूँ इस बात को, आपके
जरिए कि जब 1996 में इसको नोटिफाइड किया गया वो किस आधार पर किया गया, क्या SDM साहब या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के DFO साहब या चीफ कंजर्वेटर साहब या LG साहब या भारत सरकार किसी भी आदमी ने उस टाइम पे इनको बनने ही क्यों दिया, इनके ऊपर एक्शन उसी टाइम पे क्यों नहीं किया गया। और जब ये सारी चीज़ें हुई, जब पुलिस के पास भी पैसा गया, सब डिपार्टमेंट के पास पैसा गया, आज भी फॉरेस्ट लैंड के ऊपर मकान बन रहे हैं, जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा जो कि फॉरेस्ट में नोटिफाइड है। सुशील जी, वही बात हम कर रहे हैं और वही बात ये जनता भी कह रही है कि आखिर सब कुछ होने के बावजूद भी 1996 के बाद यहाँ पर हर व्यक्ति के हाथ में आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उसके डॉक्यूमेंट प्रूफ हैं, बिजली का बिल है, यहाँ पर IGL के पाइप भी लगे हुए हैं, लोगों के पासपोर्ट तक बने हुए हैं। आखिर नेता लोग भी यहाँ पर वोट लेने के लिए आते हैं, तब तक तो ये बस्तियाँ सही होती हैं, जब तक ये वोट देते हैं, नेताओं को वोट देते हैं तब तक तो ठीक है। लेकिन आखिर ऐसा मामला क्यों पेचीदगी फंस जाती है कि इनके ऊपर इस तरह का एक्शन होता है? जी, मैं आपको एक सच बता देना चाहता हूँ, चाहे राजनीतिक पार्टियाँ हों, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस भी रही, कांग्रेस के दिए हुए हैं 75, इसके बाद की जो कॉलोनियाँ थी 75 में अलॉट की गई, जितनी भी जे कॉलोनी है वो आज उसके ऊपर महल खड़े हुए हैं। लेकिन छतरपुर विधानसभा, महिपालपुर और आपका तुगलकाबाद, इसके अंदर जितनी भी कॉलोनी थी BJP द्वारा विदाउट सर्वे, विदाउट नोटिस, किसी भी तरह का कोई सर्वे नहीं किया गया, सभी कॉलोनियों को लोगों ने AC के ऑफिस में बैठकर रिज में नोटिफाइड कर दिया। जबकि 1947 के अंदर हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम भारत सरकार के अंदर जितने लोग रह रहे थे वो 35 करोड़ लोग थे। हो सकता है मैं गलत हूँ, उसमें 1-2 करोड़ का इधर उधर हो सकता है, लेकिन आज की डेट में 1947 76 77 साल हो गए हैं। आज हम लोगों का आज तक का पंचायत का कोई भी लाल डोरा आगे नहीं बढ़ाया गया। पहली चीज़ तो ये है कि जिसके घर में पहले पूरे मकान 35 मकान होते थे, उनके फैमिलियां होती थी, आज उनके घरों में आज एक एक घर के अंदर 10-10 15-15 फैमिलियां हैं। आखिर वो लोग कहाँ जाएं? क्योंकि ग्राम सभा की लैंड गांव के लिए है, ना कि फॉरेस्ट के लिए। इसी बीच में हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं, चलिए बात करते हैं। माता जी, आपका नाम क्या है? शकुंतला। ये क्या हुआ आपके साथ? मैं अचानक एकदम से ढाबड़ा बोल गया, हम लोगों को कुछ पता नहीं था, हम तो वैसे ही रहते उधर ही इधर आके, मतलब कितने समय से रह रहे थे आप? हमें तो हो गए 2 कम 40 साल हो गए, 2 कम 40 मतलब 38 सालों से रह रहे। हाँ, तो आपको पता नहीं लगा या आपके घर वालों को पता नहीं लगा? नहीं, मेरे घर वालों को, मेरा आदमी खत्म हो गया, लड़का भी खत्म हो गया, मैं ज़्यादा कम निकलती हूँ हिसाब से। आपका नाम? सरोज। क्या कहना चाहेंगे, जो पूरा एक्शन हो रहा है? जी, यही कहना चाहते हैं, सरकार पहले तो कुछ करती नहीं, बाद में तोड़ा ताड़ी करती है, हमें जो गरीबों को गलती तो जनता की भी निकल कर आ रही है। जब ये कोर्ट में पूरा केस था तब आपकी तरफ से कोई पेश नहीं हुआ, तो केस कैसे करते जी? हम गरीबों को तो पता ही नहीं चलता ना इन सब बातों का, कैसे करेंगे? 20 सूत्री कार्यक्रम में जो हम गरीबों को प्लॉट दिए गए थे तो उस टाइम दे दिया, और जो उसमें पर्ची में लिखा हुआ कि भी प्लॉट बनाने हैं, जैसे तैसे कह उधार लेके कैसे भी झुपड़ी उपड़ी अपनी डाल ली उसके अंदर, उसी टाइम से हम कभी झुपड़ी घेर ली, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ रह रहे हैं। तब से ही हम रह रहे हैं, यही जंगल में ही रह रहे हैं, जब से जंगल ही था, पूरा जंगल है, पूरा जंगल जहाँ प्लॉट दिए गए थे हमसे, सब ऐसे अपनी झुपड़ियों में रहना शुरू किया, क्योंकि हमारे पास घर नहीं थे तो हम क्या कहाँ जाए? अब जितनी प्रॉपर जो भी कमाया इसी में लगा दिया, अब हमारे पास इतना भी नहीं है कि हम कहीं प्लॉट ले सकें, तो हम कहाँ जाएंगे? सर, ये है, हमने ये ज़मीन जो खरीदी थी ये 28 साल पहले खरीदी थी, जब हमने नहीं पता था कि ये कैसी ज़मीन है, हमें कुछ पता नहीं था, हमने तो रहने के लिए आशियाना चाहिए था, और जब इतने दिन रहते रहते हो गया, GPA था, और जब हमने नहीं पता था कि ये कैसी ज़मीन है क्या नहीं है, हमने तो बस ले लिया था कि हम पतल रहने के लिए लिया था हम लोगों, तो उसके बाद जब अब 25 साल गुजर गए, 26-27 गुजर गए, तो मैंने कहा यार अब बना लेते हैं इसको, अच्छी तरह बना लेते हैं, बच्चों की शादी ब्याह करना है, ये है, तो अभी हमारा काम चल ही रहा था, 1.5 साल से काम चल रहा था,
और उसके बाद हमने करीब 50 लाख रुपए इसमें लगा दिए। अभी तो हमने इसमें रहना भी नहीं शुरू करा था सर, और उसके बाद ये घटना हो गई हमारे। कितने बड़े बड़े फ्लैट थे आपके पास? हमारे पास तो 80-90 गज का ये जगह था तकरीबन। मैंने गज में एक फ्लैट किया था। मैंने सर वो जगह लिया था, फ्लैट नहीं लिया था। आपने प्लॉट लिया होगा ना? जी जी सर। आपका नाम? सौरभ। आपका भी यहीं पर मकान? हाँ जी, हाँ जी, हमारा भी। तो आपको कब पता लगा कि ये टूट जाएगा? क्या मतलब आपको पहले से कोई नोटिस वगैरह आ रहा है? कोई नोटिस हमें इंडिविजुअली सर्व नहीं किया गया था। ये जो मकान थे हम लोगों ने 10 साल पहले लिया, जिस समय हम लोगों ने परचेस किया हम लोगों ने बिल्डर से परचेस किया, और उस समय हमारे संज्ञान में भी ये नहीं था कि ये जो है ये फॉरेस्ट लैंड है, क्योंकि हमारे जो पेपर्स थे वो 132 के बने हुए थे। तो जब हम लोगों ने यहाँ पर रहना शुरू किया, उसके बाद जब नोटिस लगे, वो नोटिस जब लगे अभी रिसेंटली हम लोगों को पता चला वो नोटिस लगे, और उसके बाद हम लोग हाईकोर्ट में गए। जब हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने हमारे जो एप्लीकेशन थे उसको रिजेक्ट कर दिया। हम लोग स्टे लेने के लिए डबल बेंच में गए, डबल बेंच में जाने के बाद भी उन्होंने फिर रिजेक्ट कर दिया। अभी हम लोगों ने इस एप्लीकेशन को सुप्रीम कोर्ट में लगाया है। ऐसा बताया भी जा रहा है कि ये कंप्लेंट बाजी के चलते हुआ है सब। हाँ जी, ये सही बात है, ये कंप्लेंट बाजी की वजह से हुआ है। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर अभी इतने पुराने कॉलोनी, 60 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, उस कॉलोनी में आप अगर आप अंदर जाके देखें कहीं भी ऐसा फील आपको नहीं होगा कि ये फॉरेस्ट लैंड है। पूरी कम्प्लीटली पैक्ड कॉलोनी है, और इसमें जितने नंबर ऑफ फ्लैट्स बने हुए हैं, रीजन जो भी हो, बिल्डर ने किया, इंक्रोचर्स ने किया, जैसे भी किया, पर हम जैसे इंडिविजुअल लोग जिन्होंने, जैसे मैंने परचेज़ किया, इसी तरह कितने लोगों ने अपने रिटायरमेंट का पैसा लगाया, कितने लोगों ने अपने 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 ज्वेलरी बेच बेच कर वो जो है वो किसी तरह पैसे का इंतजाम किया, क्योंकि ये जो भी थी वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी, कहीं भी ये रजिस्ट्री प्रॉपर्टी थी नहीं, तो जो भी थे कैश में हम लोगों को देने थे। तो जो भी पैसे लगाए लोगों ने वो अपने हार्ड अर्न मनी किसी तरह लगाए, पर जब हम लोगों के पासपोर्ट इशू हो गए, राशन कार्ड इशू हो गए, आधार कार्ड इशू हो गए, आईजीएल के कनेक्शन लग गए, बिजली के कनेक्शन लग गए, हम लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स भर दिया, इन सब होने के बाद भी अगर आकर ये तोड़ जाते हैं तो ये गवर्नमेंट सो रही है क्या? उनको जागना चाहिए और आके देखना चाहिए कि किस तरह लोगों को परेशान किया जा रहा है। नाम राजेंद्र सिंह है मेरा, ये सामने वाला मकान है मेरा, मैं पिछले 20 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ सर। हमारे तो मेरे बच्चे भी यहीं पे पैदा हुए हैं। आज हमें तो कोई ऐसा है जो नोटिस आया, कोई बाई नेम नहीं आया। मेरा भी यहाँ आधार कार्ड है, आज का नहीं है, वो 20 साल पुराना हुआ है। जब आधार कार्ड बन रहे थे सन मेरे ख्याल से 2001 के बना हुआ है। बिजली का बिल है, पानी का बिल है, सब है। अब ऐसा पता लगता है एकदम से बुलडोजर हमारा लाइट काट दी, पानी काट दी, बिजली काट दिया, कोई आगे हो ही नहीं रहा, कोई इसको कोई किसके पास जाएं। कोर्ट से भी हम लोग हो गया आगे, डबल बेंच में भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। अब हमने रिसेंटली जो है अभी जो हमने सुप्रीम कोर्ट पे जो है डाली है, देखो क्या होता है वहाँ से, क्या होता है क्या रहा, क्योंकि आप तो RW से भी जुड़े रहे हैं, क्या पता नहीं लगा एकदम से इतनी पुरानी फाइलें निकल के आ जाती हैं, आपके बसे बसाए आशियाना तोड़ दिए जाते हैं। ये आशियाना जी है तो बहुत पुराना है वैसे, पर इन्होंने पता नहीं क्या कोर्ट के क्या ऑर्डर आए हैं जो इस कॉलोनी के तोड़ने के ऑर्डर आए हैं, और इसमें इतना ही बड़ी इनकी गलती हुई है कि हमें पहले सूचित नहीं किया और इनको मौका भी नहीं दिया कि कम से कम आगे कोई कार्रवाई या कुछ कर सकते। अब जैसे अब हमने ये मकान बनाए तो घर से तो ना लाए हम, जमीन खरीदी यही, पैसा कहाँ से आयो, कैसे कैसे कमाए, यह बात की तो हमें पता है। सरकार जब क्यों ना पूछने आई, जब बना रहे गए जब क्यों ना मना करी सरकार ने, काम मत बनाओगे, रिजी एरिया है कि तोड़ेंगे हम, क्यों करेंगे, अब टूट रहोगे, हमें दुख ना लग रहा, कहाँ से आया पैसा, कहाँ से लगाया, कितने हारी बीमारी को काय काय को लावे सर इंसान पैसा है, चोरी करे, डकैती डारे, कहाँ कहाँ से लावे, कैसे कैसे जोर जाओ तो इन बालकन घोंसला बने। जब भी तो सोचनी चाहिए, जब हम बना रहे हैं पैसा लेने को आ रहे हैं, जब पर वॉलेंटियर पैसा दे दो पहले, क्यों दे दें, एक तो पैसा भी दो, घर बनाओ, फिर यह तोड़ने को आ जाओ, कोई अच्छी बात थोड़ी ना आई। हम इतने तीन, मेरा नाम रुचि है, हम इतने साल से यहाँ रह रहे हैं, हमारे पास सब है, आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, सब कुछ है, हैं, तब आपने इंक्वायरी नहीं की थी क्या कि कैसी ज़मीन है, किस बेसिस पे बनाए गए, फिर ये आपने बिजली का सब कुछ दिया हमें, तो पहले इंक्वायरी नहीं थी, आज एकदम फॉरेस्ट लैंड हो गई है। ये नहीं तोड़ो इनको, और क्या, जो बचे हैं उनको तो बचा लीजिए, हाँ उनको तो बचे रहने दो। हमारी जो 20 सूत्री कार्यक्रम की कॉलोनी है जिसके अंदर मैंने RTI लगाई थी, एक उसके अंदर ADM ने स्पष्ट माना है कि ये कॉलोनी अलॉटेड है,
लेकिन एसडीएम मीना जी ने यहाँ ये बोला कि भाई सारी कॉलोनी एक सी है, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा क्यों है? तो ये मान के चल रहे हैं सुशील जी कि अगर आज एक्शन इस प्लॉट पे हुआ है, इस कचरे पे हुआ, क्या इसी तरह का एक्शन बाकी के कचरों पर भी होगा? जी कुछ भी हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसके अंदर। जब तक या तो कोर्ट जाएंगे, वहाँ से कोई अगर सहायता मिली तो बच सकते हैं। अदरवाइज कॉलोनी के लोगों को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि आप अगर RWA के साथ खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो जाइए, नहीं तो इसका कोई हल नहीं है अभी, क्योंकि RWA लड़ सकती है आपके साथ में खड़े होके। आपका सहयोग जरूरी है, RWA तो जनता से चलेगी। तो आम बात भी है कि संगठन में ही शक्ति होती है जी, अकेला इंसान कुछ नहीं कर पाता, संगठन के कारण ही सब कुछ होता है। लोगों के पास 500 गज, किसी के पास 400 गज, किसी के पास 600 गज, ऐसी ऐसी ज़मीनें हैं, लेकिन जब RWA की फ़ीस देने की बात आती है तो लोग फीस तक नहीं दे पाते हैं। मजबूरी क्या है कि RWA उस जगह पर आकर चुप बैठ जाती है, कि मजबूरी हो जाती है, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो कहाँ से क्या करेगा कोई आदमी। क्योंकि अगर कोर्ट जाना है तो कोर्ट के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि अगर एक छोटा सा भी केस आप करने जाओ 5 से 10 लाख रुपये लगता है, लेकिन लोग साथ नहीं देते। वो कहते हैं हमारी तो फ्री की ज़मीन है, गवर्नमेंट ने दे दी, हमने तो मज़े ले लिए, किराए खा लिया, बात टूटेगी टूट जाएगी, ऐसे हमें वक्तव्य सुनने को मिलते हैं। तो यानी कि जिस तरीके से हमने लोगों से बात की और पूरा मुद्दा निकल कर आया कि आखिर सालों साल बाद सरकारें क्यों जागती हैं, विभाग क्यों जागते हैं, कि आखिर 40 सालों बाद पता लगा इस फॉरेस्ट लैंड को कि ये फॉरेस्ट की लैंड है, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता लगा 40 साल बाद कि ये लैंड उनकी है, कि आखिर क्यों नहीं वक्त रहते जब इस तरह की बस्तियाँ बसाई जाती हैं, यहाँ पर जब बसावट शुरू होती है तभी इन्हें क्यों नहीं रोका जाता। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जनता की भी गलती निकल कर आती है, जब वो अपना आशियाना खरीदने के लिए आते हैं तो कहीं ना कहीं सस्ते मकानों के चक्कर में या सस्ते फ्लैटों के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि उसके कागज़ की पूरी चैन है या नहीं है, यहाँ पर GPA है या पक्की रजिस्ट्रियाँ हैं। तो कुल मिलाकर जो बातें निकल कर आ रही हैं, कहीं ना कहीं यहाँ के जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो SDM या DM का ऑफिस हो या पुलिस कार्रवाई हो, सब विभाग आपस में कहीं ना कहीं इसके दोषी पाए जाते हैं। इसका चाहे MCD हो, वो भी कहीं ना कहीं इनकी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं रहती है, क्योंकि बगैर इन विभागों की अनुमति के कोई इंसान दिल्ली के अंदर अपनी एक ईंट नहीं लगा सकता। तो ऐसे में जब बस्ती बच जाती है, पूरी बसावट हो जाती है, तो इनको इस तरीके से जमींदोज कर दिया जाता है। इसी तरह के जो तमाम मुद्दे हैं, तमाम सवाल हैं, वो आज शासन प्रशासन और पॉलिटिकल लोगों के सामने भी उठाए जा रहे हैं।